कुनो कर दो नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। साथी को किया गया रेस्क्यू, कई लापता। सीएम तीरथ सिंह रावत ने हेलीकॉप्टर से लिया हिमस्खलन इलाके का जायजा। मंत्री धन सिंह रावत रहे मौजूद। देहरादून में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार, आम जन हुआ भयभीत। संक्रमित न होने पर भी लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। लक्सर सीएचसी में फूटा कोरोना बम, एक साथ 10 लोगों में कोरोना की पुष्टि। 73 घंटे के लिए सीएचसी सील। रुड़की में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े घर में घुसकर की युवती की हत्या। 2 बदमाश फरार, 1 गिरफ्तार। देहरादून में कोरोना कर्फ्यू, कई जगह लापरवाह दिखे लोग। प्रशासन की ओर से बरती गई सख्ती, बेवजह घर से निकलने वालों का काटा चालान। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। चमोली के मलारी सुमना में आए एवलांच के बाद करीब 46 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। साथ ही मरने वालों की संख्या 8 बताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम लगातार पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीआरओ की टीम द्वारा लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। मालूम किया वहां से, तो 200 पहले मिले थे और 600 बाद में मिले, कुल 800 वहां से बरामद हो चुके हैं। और वहां नियरेस्ट जो जहां पे आपदा आई है, नियरेस्ट में जो आर्मी का कैंप है उसमें ये लोग, बीआरओ के जो लोग थे वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। चमोली जिले के नीति घाटी में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार सुबह चमोली पहुंचकर सीमावर्ती इलाके का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चमोली जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और विधायक बद्रीनाथ महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिस स्थान पर ये घटना घटी है वहां सेना कल रात से ही पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ में आईटीबीपी के जवान भी राहत कार्य में जुटे हैं। कल रात से पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में वहाँ पे स्पॉट पे लगी हुई है और हमारा जिला प्रशासन पूरी तरह से कल से ही रेस्क्यू किया है और एसडीआरएफ वहाँ आगे बढ़ी है। एनडीआरएफ भी पूरी वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं आगे तक, जहाँ तक वो जा सकते हैं। आर्मी के संपर्क में तो कल रात से ही हैं, वो लोग पूरी तरह रेस्क्यू कर रहे हैं और साथ ही आरटीबीपी के जवान लगे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट है कि जो लगभग 400 लोगों की बात जो वहाँ काम कर रहे थे लेबर जो बीआरओ का, और 391 के लगभग अभी तक पूरी जानकारी जो इनके पास लोग आए गए हैं, जो इधर उधर से पैदल चल करके वो इन कैंपों में पहुँचे हैं, आर्मी के कैंप में। कोरोना वायरस को लेकर सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संकट को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें सभी ने भाग लिया। प्रमुख रूप से ये मांग की गई कि ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रत्येक हॉस्पिटल में हो, आईसीयू बेड्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों तो सबसे अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता देश में है, हॉस्पिटल तक भी पहुँचे,
और उनको लाने के लिए टैंक्स ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क ग्राम प्रधान सुधीर रतोड़ी ने रानी पोखरी ग्राम पंचायत में दवाई का छिड़काव किया और कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटीन होने के साथ ही कोरोना जांच कराने की अपील की। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही लोगों से मिले और सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने क्षेत्र में मास्क व सैनिटाइजर का वितरण भी किया ताकि रानी पोखरी ग्राम पंचायत को पूरी तरह से कोरोना जैसी बीमारी से बचाया जा सके। उत्तराखंड में कोरोना की लगातार रफ्तार बढ़ रही है और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद काबू होता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तीरथ सिंह रावत सरकार को 10 अहम निर्देश जारी किए। कोर्ट ने अपने आदेश में अस्पताल, ऑक्सीजन और आईसीयू समेत कई पॉइंट्स पर फोकस किया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं क्या है वे 10 आदेश। कोरोना को लेकर हाई कोर्ट के 10 निर्देश। राज्य सरकार पहाड़ों के दूरस्थ इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की करे व्यवस्था। हाई कोर्ट ने दिया कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का आदेश। अस्थायी अस्पताल बनाने का भी कोर्ट का निर्देश। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन के निर्देश। प्राइवेट अस्पताल में ओवरचार्ज रोकने के लिए सरकार को आदेश। 25% बीपीए परिवारों का इलाज प्राइवेट अस्पताल करें। राज्य के अस्पतालों में आईसीयू बेड समेत दवा की जानकारी ऑनलाइन करने का कोर्ट का आदेश। 5 मई तक कोर्ट में राजस्व के सचिव से डिटेल्स रिपोर्ट मांगी। राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर नजर रखे सरकार। प्राइवेट अस्पताल पर बीपीए परिवारों का हो इलाज। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड 19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड 19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, दवाई भी कड़ाई भी। यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है। मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी ने दूसरी लहर में भयंकर रूप ले लिया है। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन की सप्लाई न होने पर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। देहरादून में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एजेंसी से बात की तो पता चला कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर आमजन भयभीत है। कोरोना संक्रमित न होने पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर घर में ले जाकर रखे जा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लायर्स का कहना है कि देहरादून के लगभग सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, फिर भी मरीजों से खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को
कहा जा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं देहरादून के भारत ऑक्सीजन पर, जहां पर सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है वो हम जानेंगे। आप देख सकते हैं भारत ट्रेडर्स जो है उनका यहाँ पे प्लांट है ऑक्सीजन का, और उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर, क्या लोगों का मानना है, किस तरह का जो है आम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या उनका कहना है। हमारे साथ दीपक गुप्ता जी हैं, यहाँ के ओनर हैं। दीपक गुप्ता जी, क्या स्थिति है इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, लोगों का क्या कहना है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं? देखो जी, ये जो ऑक्सीजन की स्थिति है ना, लोगों ने अपने आप बिगाड़ दी है। जो मीडिया लेवल से और हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी जो बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, इतने घंटों का ऑक्सीजन है, उस बातों ने इतना पैनिक क्रिएट कर दिया कि जिसको ऑक्सीजन नहीं भी चाहिए, जिसके घर में कोई पेशेंट नहीं है, वो आज भी एडवांस में ऑक्सीजन ले जाके रख रहा है। आज की डेट में सवेरे 5 बजे से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, रात को 1 बजे गए हैं। स्थिति यह है कि लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, जो एक्चुअल पेशेंट है उसे आज की डेट में हमें ऑक्सीजन देने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि दे ही नहीं पा रहे। कोई किसी चीज़ में बर्तन तो चाहिए ना उसको देने के लिए, कहाँ से देंगे, तो सिलेंडर्स चाहिए। गवर्नमेंट से अपील है कहीं से सिलेंडर्स का इंतजाम करके दे, हम ऑक्सीजन दे देंगे। अच्छा, जो सिलेंडर्स लोग लेके जा रहे हैं वो घर में ही रख रहे हैं, दोबारा रिफिलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं? मुश्किल से 5% की रिफिलिंग आ रही थी, केवल 5% से ऊपर रिफिलिंग नहीं आ रही है। और अब तो हॉस्पिटल वाले भी अलग सा कल्चर बन गया कि पेशेंट जा रहा है तो बोल रहे ऑक्सीजन है तो हम एडमिट करेंगे, भाई जब ऑक्सीजन तुम्हारे पे पहले ही है। ऐसा कोई सा हॉस्पिटल नहीं है देहरादून में जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ये पता नहीं क्या कार्यक्रम सिस्टम चला दिया है ऑक्सीजन के, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने, कि ऑक्सीजन लेके आओ पहले अपनी। तो जो कितने सिलेंडर जो हैं आपके यहाँ से गए हुए हैं जो अभी तक वापस नहीं आए, लगभग कोई गिनती है? भाई साहब, गिनती तो अभी तो फिलहाल तो हिसाब ही नहीं, कुछ कोई गिनती नहीं है, कोई नाम नहीं है हमारा, तो जो आ रहा है उसको सिलेंडर दे रहे हम। हमारी 100% कोशिश है कि कोई भी ये ना कहे दिल्ली की तरह जैसे दिल्ली में और कहीं लगे ऑक्सीजन की रिपोर्ट आ रही है कि ऑक्सीजन से लोग मर गए, कि देहरादून में कोई भी हमारा भाई बहन कोई भी ऑक्सीजन की वजह से ना मरे। आखिर क्या व्यवस्था जो है आप लोगों द्वारा की जा रही है पैसों को लेकर, अगर पैसे नहीं है किसी के पास, कई लोग ऐसे हैं? हम फ्री ऑक्सीजन दे रहे जी, जिसको किसी के पास अगर जो पैसे नहीं है, कोई असमर्थ है ऑक्सीजन के लिए, वो सिलेंडर का इंतजाम करे, क्योंकि सिलेंडर तो पैसे वाले को भी करना है, बिना पैसे वालों को भी करना है। ऐसे नहीं कि गरीब आदमी है तो सिलेंडर का इंतजाम करना है, कोई अमीर आदमी है उसे भी सिलेंडर का इंतजाम करना है, और सेला कोई जाए हमारे प्लांट में ऑक्सीजन फ्री भरी जाएगी उसके लिए। अच्छा, एक किट भी आती है ऑक्सीजन की जो ऊपर सिलेंडर के ऊपर लगती है, उसकी क्या व्यवस्था है? वो नहीं है जी बिल्कुल भी, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हमारे पास तो 4 दिन से नहीं है, हम बिना 4 दिन से वैसे ही बेच रहे हैं जो बाजार से ला रहे लोग, और वो किटें भी जितनी बाजार से आ रही हैं उसमें मैक्सिमम लीकेज की शिकायत है। हालांकि सरकार जो है, सरकार को भी व्यवस्था करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते कई लोग अपनों को गवा चुके हैं, और अगर स्थिति को नहीं संभाला गया तो हालात बहुत ज्यादा भयावह हो सकते हैं। कैमरा पर्सन खुशवंत चौधरी के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज इंडिया। खबर लक्सर से, जहां क्षेत्र में कोरोना कहर लगातार जारी है। लक्सर CHC पर भी एक साथ 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई, हड़कंप मच गया। इनमें एक गर्भवती महिला, एक पुलिसकर्मी और 8 अन्य लोग शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्र में 5 अन्य लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने लक्सर CHC को 73 घंटे के लिए सील कर दिया है। इसके साथ ही CHC पर तैनात कर्मचारियों के अलावा उनसे जुड़े लोगों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की भी कोरोना सैंपलिंग का काम स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया। पूरे इलाके को सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। क्या कि हर दिन कोरोना केस बढ़ रहे हैं, जो भी सिम्टोमेटिक आ रहे हैं, जिनको फीवर खांसी बुखार की जो उनको ज़्यादा उनको सीवियरिटी है, तो हम उनको रैंडमली उनको RT-PCR भी कर रहे हैं, उनका एंटीजन भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हर दिन 10-15 प्रतिदिन आ रहे हैं। कुछ हमारी सडनली फुल टर्म प्रेगनेंसी आई, वो भी हमारी पॉजिटिव पाई गई। हर प्रेगनेंसी का PNC का हम जाँच कर रहे हैं। देहरादून में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही, लेकिन देहरादून स्वास्थ्य विभाग की तैयारी दम तोड़ती नजर आ रही है। कोरोना की रिपोर्ट मिलने में ही 4-5 दिन लग जा रहे हैं। होम आइसोलेशन के दौरान मिलने वाली COVID-19 किट भी मरीजों को नहीं मिल पा रही, लेकिन इस बारे में देहरादून CMO की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। होम आइसोलेशन किट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फोटो होने की वजह से स्टिकर लगाकर छिपाया जा रहा है, जिस वजह से होम आइसोलेट मरीजों को किट नहीं मिल पा रही। मामला मीडिया में आने के बाद CMO देहरादून ने कार्यालय में मीडिया की सीधी एंट्री पर रोक लगा दी।
आप क्या कहना चाह रहे हैं, स्टिकर से क्या मतलब, आप कुछ बताएं मुझे। स्टिकर से बदले जा रहे थे, दवाइयां नहीं बट पा रही थी, अब क्या? नहीं नहीं, स्टिकर की वजह से कभी भी दवाई का काम नहीं रुका है, ये बिल्कुल गलत फहमी आपके आपको है और कृपया इसको दूर कर लें कि स्टिकर लगने से या डब्बे होने से इसका होम आइसोलेशन किट के वितरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसमें कोई पे कोई रोक नहीं है, लगातार दवाइयां बढ़ रही हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। इसी के तहत देहरादून में जगह जगह सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ। देहरादून के वार्ड नंबर 31 में पार्षद कमली भट्ट ने अपने क्षेत्र में नगर निगम की टीम के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का कार्य किया। इस दौरान सभी घरों को और गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया। कोरोना जो महामारी जो प्रकोप बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, इसको देखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र में कोई दिक्कत ना हो, सभी से मेरा आग्रह है कि मास्क पहने और जो भी कोविड-19 गाइडलाइन है उस पर आप लोग ध्यान दें और अपने आप को सुरक्षित रखें। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है। मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है, इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेके बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हां, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें, इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाए, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहने। पिछले एक साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के चलते बसों और टैक्सी में आधी सवारी के नए नियम के बाद से ही श्रीनगर में बसों की शॉर्टेज शुरू हो गई है।